दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद, मतलब अच्छी खासी छुट्टी के बाद हम हाजिर हुए हैं पीआईबी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीआईबी से डिस्कशन अपना। 2-3 दिन का करंट अफेयर्स पूरा पीआईबी में कवर होगा, बाकी जो बचेगा करंट अफेयर्स वो सर आपको पढ़ाएंगे, मैं पीआईबी कवर करूंगा। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये किस कंटेक्स्ट में है, इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक स्टैचूरी बॉडी है। याद रखेंगे 2006 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके इसको स्टैचूरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया, और भारत के राष्ट्रपति को एज ए विजिटर का दर्जा इसमें प्राप्त है। याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एज ए विजिटर का दर्जा प्राप्त है। अब देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्या बात है। देखिए, जब आप कुछ भी शूज़ खरीदने जाते हैं या कपड़ा खरीदने जाते हैं शॉप में, तो वहाँ पे जो साइजिंग है, अभी यूरोपियन यूके साइज और यूएस साइज ये फॉलो किया जा रहा है। तो भारत में लोगों की, अब मजाक के तौर पे बोल सकते हैं, सबकी तोंद निकली होती है, तो उस हिसाब से हमारा जो साइज़ है वो फिट नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन अब शॉपिंग चल रहा है हर जगह। जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है उसमें क्या है, आप कपड़ा मंगवाते हैं, फिट नहीं होता, वापस कर देते हैं, तो ऐसे रिटर्न का जो परसेंटेज है वो 40 से 50% तक वैरी कर रहा है, हाई रिटर्न। इसमें कुरियर चार्जेस बहुत, मतलब हाई ऑपरेटिंग चार्जेस हो जा रहा है, कुरियर चार्जेस हो जा रहे हैं, कपड़ों की वियर एंड टीयर हो जा रहा है। तो उससे निपटने के लिए एक साइजिंग का सर्वे चल रहा है, ठीक है, इंडिया साइज करके, आगे आएगा न्यूज़ में तो हम देखेंगे वो कौन करा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बना गया है। अब आपका काम क्या है सेल्फ स्टडी में, देखिए जरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी किस मंत्रालय में आता है। देखिए, मैं बताने को तुरंत बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार खुद से सर्च करना सीखिए, मैं कई बार ये बातें बोल चुका हूं आपको। फिर आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ऑलमोस्ट हर दिन न्यूज़ में रहता है, कुछ ना कुछ कहीं ड्रग पकड़ा जाता है, कुछ कुछ भी पकड़ा जाता है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में, याद रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है। और ये नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 1972 का एक प्रोटोकॉल है, ये सब खैर जाना जरूरी नहीं है आपके लिए। नारकोटिक्स का इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और जो इसका जुरिस्डिक्शन है, किस पर किस किस कानून के तहत ये काम करता है, तो ये है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको ट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इस पे इसका जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोपेटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, ठीक है, तो इतने सब पे इसका जुरिस्डिक्शन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने इंटरेक्शन किया प्रगति के माध्यम से। सबसे पहले प्रगति का फुल फॉर्म रट लीजिए, ये परीक्षा में आ सकता है, यूपी में भी आएगा या राज्य स्तरीय में भी, केंद्र में भी पूछा जा सकता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्रगति एक प्लेटफॉर्म है जिसपे प्रधानमंत्री सभी प्रोजेक्ट्स जो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, इसको इवेलुएट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कितनी प्रगति हुई है अभी, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा लग रहा है, कब तक ख़त्म होगा, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये, पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चलता है, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, याद रखेंगे, प्रगति ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई किसी मंत्रालय के अधीन स्कीम नहीं है प्रगति, जिसमें महिलाओं को कुछ दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कुछ होगा, या छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाएगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, प्रगति पूछ लिया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधीन एक इनिशिएटिव है जिसके तहत बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी, तो आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रगति क्या है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए या गवर्नेंस के क्षेत्र में ICT इंटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है प्रगति। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर TSR सुब्रमण्यम साहब का डिमाइस हो गया, डेथ हो गई, ये कौन थे, देखिए पर्यावरण पर एक समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, याद रखेंगे, इन्होंने सिफारिश की थी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर पर्यावरण की बॉडी बनाने के लिए, और दूसरा शिक्षा संबंधित समिति के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इस तरह के प्रश्न यूपी में पूछे जाते हैं, UPSC में तो नहीं पूछे जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाल ही में TSR सुब्रमण्यम साहब का निधन हुआ वो कौन थे, तो याद रखेंगे एक रिटायर सिविल सर्वेंट थे, भारत सरकार की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, कैबिनेट सचिव हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडिया कोरिया बिजनेस समिट, कौन सी, दूसरी इंडिया कोरिया बिजनेस समिट, कौन ऑर्गेनाइज किया इसको, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, इन्होंने नई दिल्ली में पार्टनरशिप आयोजित कराया, याद रखेंगे CII और इन्वेस्ट इंडिया इन लोगों के सहयोग से,
सेकेंड इंडिया कोरिया बिजनेस समिट कहाँ हुई? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कुछ भाषण दिया, वो भाषण में जो फैक्ट्रॉइड हैं वो याद रखते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किताब लिखी थी लैम्प ऑफ द ईस्ट, लैम्प ऑफ द ईस्ट किताब इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा किसने लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपके पास, देखिए PCS 2018 से और IAS मेंस में भी अब एग्ज़ाम में क्या आएगा, मेंस में आंसर राइटिंग आएगी, लिखने के लिए आंसर राइटिंग में 200 शब्दों में आपको, मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन में या डिफेंस आपका सब्जेक्ट है उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन में आता है इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में लिखने के लिए। इंडिया कोरिया मतलब साउथ कोरिया से रखिएगा, नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहता है, इंडिया साउथ कोरिया, तो इससे अगर आपको रिलेशन लिखने को आए तो यही सब शब्द आपको लिखना है कि वहाँ के कबड्डी प्लेयर्स को हम अपने इंडियन कबड्डी लीग में शामिल करते हैं, ठीक है। और एक कोइंसिडेंटल बात है कि दोनों देशों का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है यूपी में कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस भारत का स्वतंत्रता दिवस के समान है, तो साउथ कोरिया। अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक्स भी साउथ कोरिया में ही संपन्न हुए, ठीक है। प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड, इन तीनों के बारे में बात की, जल्दी से देख लेते हैं। डेमोक्रेसी, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और कौन विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है? USA, ठीक है। डेमोग्राफी, इस समय हम डेमोग्राफी में हमारा जो पॉपुलेशन है 60% यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। डिमांड, और हमारा जो मार्केट है वो ग्रोइंग मार्केट है और मिडिल क्लास हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ से डिमांड बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही, ठीक है। कुछ प्रधानमंत्री ने आंकड़े दिए, हमेशा ये आंकड़े जहाँ भी बोलने जाते हैं कुछ ये बातें जरूर बोल करके वो आ रहे हैं, तो देखिए हर न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हो रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो वर्ल्ड बैंक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है उसमें भारत की रैंकिंग पिछले साल 32 इंप्रूव हुई, 132 से 100 हुई, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 3 सालों में 42 प्लेस का, यानी कि 142 से 100 हुई है 3 साल में। तो ये भी स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ऐसे ही पूछ लेगा, पहला स्टेटमेंट देगा कि 2016 के कंपैरिजन में 17 में जो रैंकिंग आई उसमें 32 अंकों का सुधार हुआ, और दूसरा स्टेटमेंट कि पिछले 3 वर्षों में 42 अंकों का सुधार हुआ। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इसको हर प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें लास्ट के 3 ईयर में भारत की प्रगति 42 प्लेसेस की है, याद रखेंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड बैंक ही निकालता है, इसमें अब इसकी सारी रैंकिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये सारी रैंकिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक हम लेक्चर डालेंगे जिसमें सभी रैंकिंग होगी अलग अलग, 30 मिनट का लेक्चर होगा। बट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक। प्रेजेंट रैंकिंग भारत की क्या है, खुद से देखिएगा, हर 2 साल में जारी रही होती है, हमने पढ़ाया था ये। अब जो कि अगर आपने नोट नहीं किया है तो पुराना वीडियो देखिए, रिवाइज कर लीजिएगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। कौन सी पत्रिका कौन जारी करता है, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। याद रखने की कुछ ट्रिक होती है, देखिए एकदम रटना नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, ये लोन देता है, लोन देता है, लोन किसको देगा, जो कंपटीशन में सबसे प्रॉपर होगा, तो यहाँ से याद कर सकते हैं आप ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है सर कुछ सहायता जैसा, टीम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी सहायता से ही आप लगा सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है, इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स याद रखेंगे इसको। अंकटाड ने भारत को 10 FDI डेस्टिनेशन में रखा है। आगे बढ़ते हैं, भारत में अभी देखिए 3rd largest इकोनॉमी है, हम कैसे परचेजिंग पावर से, परचेजिंग पावर पैरिटी और ये नॉमिनल GDP, ये सब इकोनॉमी जब पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। भारत ने भी कोरिया प्लस एक इनिशिएटिव है, जून 2016 में लॉन्च हुआ था कोरिया प्लस, ठीक है। ये कोरिया प्लस कैसा क्या है, ये है कि एक डेडिकेटेड टीम है, ठीक है, कोरियन इन्वेस्टमेंट को भारत में प्रोपोगेट करने के लिए कोरिया प्लस है, जून 2016 में ये बना हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है, और कोरियन इन्वेस्टमेंट को भारत में प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है। देखिए एक और यूपी के लिए न्यूज़ है, आज रिजल्ट भी आ गया, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय यहाँ पर चुनाव हुए हैं, पूछ लिया जाएगा आपसे हाल ही में इनमें से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, तो पहला त्रिपुरा, ऐसे मंथ दे देगा, फरवरी में कहाँ चुनाव संपन्न हुए, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। नॉर्थ ईस्ट के अगर आप स्टेट्स देखेंगे तो सिक्किम चिकन नेक पे है, सिक्किम से नीचे आगे बढ़ेंगे तो असम आएगा, असम की बाउंड्री हर राज्य से टच करती है, असम के ऊपर अरुणाचल है, ठीक है, अरुणाचल के नीचे 4 ऐसे राज्य हैं आपका, नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और सबसे नीचे मिजोरम,
और मिजोरम और मणिपुर के साइड में आ जाएगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा और आसाम के ऐसे सैंडविच होगा मेघालय। ये सब अब मैप मार्किंग है, मैप मार्किंग प्रॉपरली आप खुद से करते रहिए। कृषि मंत्री कुछ बोल दिए, क्या बोल दिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने कहाँ बोला वो इम्पोर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का पंतनगर उत्तराखंड में है, यूपी पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है, याद रखेंगे ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट, यहाँ पर नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एक होता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एक संस्था है जिसका सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है यहाँ पर, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सीड प्रोडक्शन, ये जो सीड की समस्या क्या होती है, देखिए जब आप किसी भी खेत में किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो वहाँ पर उसी उत्पादन में से सरप्लस कुछ निकाल करके बीज के लिए रख दिया जाता था, पहले यही होता था। बीच में क्या हुआ, हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करना शुरू कर दिया जिसमें उत्पादन अधिक होता है लेकिन वो बीज बार बार उपजाऊ नहीं होते हैं, तो ये सीड की समस्या होने लगी हर जगह। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन उसके लिए बना है, या देख लीजिए कौन से मंत्रालय कौन से विभाग में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ने अभी 2022 तक टारगेट दिया है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, तो उसके लिए एक 7 सूत्रीय कार्यक्रम है, मल्टी डायमेंशनल 7 पॉइंट। ये भी आपसे अब मेंस लिखना है ना, आपको पूछ लिया जाएगा कि आप किसानों की आय दोगुनी कैसे करेंगे, या किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की विवेचना कीजिए, ये आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी पूछ लिया जाएगा, और अब आईएएस पीसीएस मेंस 2018 में ये भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मोर क्रॉप पर ड्रॉप याद रखना है, ये तो हो गया इरीगेशन ठीक कर देना है, क्वालिटी सीड देना है, न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू सॉइल क्वालिटी, ये कैसे जाएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड से, सॉइल हेल्थ कार्ड से ये संभव होगा। दूसरा, लार्ज इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसेज एंड कोल्ड चेन टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखिए जब आप खेत में से कुछ उत्पादन लेकर के और अपने घर या मार्केट की तरफ जाते हैं तो जो बैलगाड़ी चलती है या जो ट्रैक्टर चलता है उस पर, वो सड़क इतनी ख़राब है, चार बार हिलेगा तो आधा अनाज नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये एक आपको लॉजिस्टिक की समस्या है, वेयर हाउसिंग की पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में सब कुछ आता है, स्टोरेज आता है, वेयर हाउस में स्टोरेज होगा, कोल्ड चेन होता है, ठीक है। आपने कुछ ऐसा उत्पादन कर दिया जो पेरिसेबल है, पेरिसेबल का मतलब क्या होता है कि जल्दी से खत्म हो जाए, टमाटर अगर आप उसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो, ये सारी बातें हैं। फूड प्रोसेसिंग, अब जैम बनाना है, ठीक है, जेली बनाना है, ये सब चीज़ें भी होती हैं इसमें। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एंड ई प्लेटफॉर्म, उसको बेचने के लिए ई नैम, ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना क्या है, रबी के लिए कितना परसेंट देना पड़ता है, खरीफ के लिए कितना देना पड़ता है, और हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए 5% है, खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है ना, ऐसे ही है। डेयरी एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री बी कीपिंग और मेड पर पेड़ इसको प्रमोट करना है, हॉर्टिकल्चर फिशरीज ये सब, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है, देखिए अगर आप लिख लिख करके याद करेंगे हर चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेकंड एडवांस एस्टीमेट जारी किया, ये क्या इसके आंकड़े महत्वपूर्ण है, नहीं। देखिए हाल ही में फॉरेस्ट ऑफिसर की का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि इस देश में सर्वाधिक जोत यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो किस फसल से रिलेटेड है, तो उसमें मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा था कि चावल से रिलेटेड, चावल में ज़्यादा एरिया कल्टीवेट होता है या गेहूं का ज़्यादा एरिया है, ठीक है। तो देखिए एरिया वाइज तो गेहूं ही अधिक है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इन सब में होता है, चावल कम जगह कन्फाइंड लेकिन उसका प्रोडक्शन अधिक होता है। चावल इस जो आंकड़े हैं इनका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि चावल अपने देश में खाद्य फसलों में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, याद रखेंगे। नंबर दो पे आता है आपका गेहूं, 111 मिलियन टन चावल, वीट आता है 97 मिलियन टन। तो आपको इस तरह से क्रम वाइज ये जैसे याद कर लेना है। अब समस्या प्रीलिम्स की भी, प्री निकलेगा तभी तो आप मेंस देंगे, यूपीपीसीएस में प्री निकालना बहुत दूभर है, आईएएस में प्री में तो सीट भी इस बार कम है तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से आपको संभावित प्रश्न जब दिमाग में सोच लेंगे, नेक्स्ट आता है आपका कोर्स सीरियल, ठीक है। जितने भी मैं भारत सरकार की जो पीआईबी वेबसाइट पर जो भी न्यूज़ आती है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको निकाल करके यहाँ दे रहा हूँ। राइस का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है देश में, व्हीट का प्रोडक्शन नंबर दो पे है। अब देश में मतलब कि पूरे विश्व में हम दो नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर राइस प्रोडक्शन में कौन है, चाइना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
फिर कॉटन, कॉटन में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कॉटन बेल्स में नापा जाता है, BAL, गांठ, जिसको हिंदी में बोलते हैं गांठ। ये जो कॉटन की गांठ होती है वो 170 kg की होती है एक गांठ, और जो जूट और मेस्ता की गांठ होती है वो 180 kg की एक गांठ होती है। ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर क्या है, नेशनल म्यूजियम, ये क्या है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। इसने होली कुरान, ये एक मतलब अलग अलग जो कैलीग्राफी, अलग अलग कैलीग्राफी में अलग अलग कुरान जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है वो यहाँ पर दिखाई गई नेशनल म्यूजियम में। नेशनल म्यूजियम में जो कुफी, नस्क, रैहन, थुल्त एंड बिहारी, आपसे सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैलीग्राफी है, मतलब लिखने की टेक्निक है ये, क्या कुफिक, नस्क, रैहन, तुलुत, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये है क्या कैलीग्राफी या चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, या भाषा है, तो आप याद रखें कैलीग्राफी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री ने एक तमिलनाडु में डिफेंस डिफेंस क्वाड का मतलब, देखिए अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी, उत्तर प्रदेश में यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दो डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी, एक कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश में, दूसरा कहाँ बनेगा, तमिलनाडु में। दो राज्य याद रखेंगे, इससे यही ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको थोड़ा लोकेशन भी देखना पड़ेगा कि तमिलनाडु में कहाँ कहाँ, जैसे चेन्नई में, होसूर में, कोयम्बटूर में, सलेम में, तिरुचिरापल्ली में। तो अब ये बहुत लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, याद रखेंगे डिफेंस कॉरिडोर वित्त मंत्री ने 2018-19 के बजट में अनाउंस किया था, एक तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और दूसरा तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्वजल पायलट स्कीम, अभी हाल ही में हमने उत्तराखंड में जिक्र किया था जहाँ पे उमा भारती जी गई थी। स्वजल ये क्या है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे लोग मिल करके पीने के पानी का प्रबंध कर रहे हैं, स्वजल परियोजना, याद रखेंगे स्वजल। इस तरह का पहला जो प्लांट अभी लगा वो कहाँ पर, राजस्थान में, करौली राजस्थान में, ठीक है। ये लोकेशन ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है, नॉर्मली राजस्थान याद रखिएगा, पहला इस तरह का प्लांट राजस्थान में, स्वजल परियोजना, और इसमें 90% प्रोजेक्ट कॉस्ट देती है सरकार और 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट कम्युनिटी वहन करती है, ठीक है, याद रखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी का वाटर पानी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, स्वजल, अपना जल, स्वजल मतलब अपना जल। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये जन्मदिन है किसका, सर सीवी रमन का, सर सीवी रमन का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी या लाइट का जो रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन है उसकी इन्होंने खोज की थी, इनको नोबेल प्राइज़ भी इसीलिए मिला था। इस बार का जो नेशनल साइंस डे है उसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रखेंगे इसका हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा, विज्ञान सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सर सीवी रमन का इस दिन बर्थडे है, जो आज आप देखते हैं ना प्रिज्म में सातों कलर रेनबो वाले, आकाश का रंग नीला हो या पानी का रंग नीला क्यों होता है, ये सब इन्होंने ही बताया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ पुरस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पुरस्कार देता है नेशनल अवार्ड, 1987 से इसको रिलीज़ किया है, इसी दिन बांटा जाता है विज्ञान दिवस के दिन पे। इस बार डॉक्टर रघुवीर सिंह कंदपुर को मिला, और एक हैं किसको मिला, आ गया नाम, मिल ही रहा, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट सेंटर जगदीशपुर को मिला, ठीक है, याद रखेंगे सोशियो आदमी को नहीं मिला, एक संस्था को मिला, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट सेंटर जगदीशपुर को भी एक नेशनल अवार्ड मिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, EPFO की एक न्यूज़ थी, उसमें याद रखेंगे आप EPFO में क्या होता है, एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने उमंग एक ऐप से रिलेटेड बात की। उमंग ऐप को हम 2-3 बार आपको पढ़ा चुके हैं, जल्दी से अपने दिमाग में विजुलाइज करके बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड है क्या कुछ, मोबाइल है क्या कुछ, ऐसा बताइएगा ज़रा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार, इन्होंने इंडिया ईयरबुक 2018 रिलीज़ कर दी, ये खबर हुई। कौन रिलीज़ करता है इसको, पब्लिकेशन डिवीज़न। ये कौन सा साल है, 62वां साल है, जितना भी छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन हो सकता है वो सब मैं ला के दे दे रहा हूँ, कुछ भी प्रश्न गलत ना होने पाए,
इंडिया ईयरबुक कौन लॉन्च करता है? पब्लिकेशन डिवीज़न, और पीआईबी भी पब्लिकेशन डिवीज़न के ही अंडर में आता है, उसी के अंडर में न्यू मीडिया विंग है, याद रखेंगे न्यू मीडिया विंग किसके अंदर है? पब्लिकेशन डिवीज़न में। ये 62वां साल है इस पत्रिका को प्रकाशित होने का, या बुक के प्रकाशित होने का। बड़ी अच्छी किताब है, आप सबके पास पीडीएफ फाइल होगी, मोबाइल में रख लीजिए, नहीं तो किताब खरीद के रख लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ नई दिल्ली में, वित्त मंत्री जाके वहाँ कुछ बोल के आए, इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB और NDB और AIIB दोनों चाइना में है, याद रखेंगे दोनों चाइना में है, दोनों अलग अलग शहर में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स वाला बैंक है, जिसमें सबका 20-20% हिस्सेदारी है। अच्छे से पढ़ा चुके हैं हम आपको ब्रिक्स बैंक, कहिएगा मत कि दोबारा से पढ़ा दूँ, रिवाइज करिए। AIIB एशियन इंफ्रा, ये चाइना का इन्वेस्टमेंट ये बैंक है स्पेशली, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर चाइना का है, भारत भी इसका मेंबर है लेकिन चाइना का सबसे ज़्यादा स्टेक है। ये क्या कर रहा है, सबको लोन देता है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बीजिंग में, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को देता है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और हाई क्वालिटी फाइनेंशियल वायबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ये एशियन रीजन में या अफ्रीकन रीजन में यहाँ सब देगा, याद रखेंगे इसका बीजिंग में हेडक्वार्टर है। अब बीजिंग में, बीजिंग क्या है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि चाइनीज़ बैंक है तो राजधानी बीजिंग होगा। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की राजधानी कहाँ हो जाएगा, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है शंघाई, ये डायरेक्टली प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2016 में पूछा जा चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्टेटमेंट दिया था बीजिंग में है, वो स्टेटमेंट गलत था, क्यों, क्योंकि वो मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में। आगे बढ़ते हैं, AIIB की थर्ड एनुअल मीटिंग मुंबई में होगी जून 2018 में, तो कुछ अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब PCS उस टाइम होगा तब देखेंगे, रोज़ तो आएगी बाल बाई बाल कमेंट्री। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने एक अप्रूवल दिया ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन बिल का, ये बिल का फीचर्स, जब ये बिल पार्लियामेंट में आ जाएगा तब ये इंपॉर्टेंट होगा मेंस लिखने के लिए, अभी के लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो ये फाइल मैं जेनिथ IAS वाले पेज पे डाल दूंगा, PDF फाइल वहाँ पे आपको मिल जाएगी फेसबुक पेज पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरे फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं, और नहीं तो ये सारे फीचर जब मंथली मैगजीन खरीदेंगे तो उसमें आ ही जाएंगे, एग्जाम के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए इसको स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक MOU साइन हुआ इंडिया और जॉर्डन, अब जितने MOUs हैं, क्या सवाल ये उठता है कि भारत सरकार मतलब महीने में कम से कम 50 MOU साइन करती है, तो क्या सभी MOU इंपॉर्टेंट है? देखिए हाल फिलहाल जैसे फरवरी में जितने MOU साइन हुए हैं वो महत्वपूर्ण है, अप्रैल में अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो, बस जो फरवरी में MOU साइन हुए हैं उतने ही दिमाग में रख लेना है, क्यों, क्योंकि साल भर के MOU या रटना तो बिल्कुल असंभव सी चीज़ है, और दूसरा कॉस्ट बेनिफिट है ही नहीं। मैं आपको एग्ज़ाम में न्यूज़ जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बताया था तो उसमें बताया था कि अगर 100 प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं 10 ऐसे आते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, उसको थोड़ी आपको सॉल्व करना है। तो अब जैसे भारत और जॉर्डन के बीच में कुल 12 समझौते हुए, तो अब 12 किस किस फील्ड में समझौते हुए वो रटने बैठेंगे तो बिल्कुल मतलब एकदम ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी, याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो MOUs हैं उसको हाल फिलहाल आप स्किप कर सकते हैं, हाँ फरवरी में जो MOU हुए हैं, अप्रैल मंथ में हमारा RO का पेपर है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। इंडिया और जॉर्डन के बीच में माइनिंग और रॉक फॉस्फेट को लेकर के MOU हुआ, याद रखेंगे, ठीक है, और नेफेड को, हाँ अब देखते हैं अगली न्यूज़, MOU जितना जितना आएगा बीच में हम डिस्कस कर लेंगे, एक दिन और अलग से MOU भी पढ़ा देंगे। देखिए भारत सरकार जो लोन, एक तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोन देती है, और दूसरा प्रोड्यूस को खरीदती है कैसे, मार्क प्राइस सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपका MSP डिक्लेयर किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और प्राइस सपोर्ट स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको खरीदारी, सरकार जब खरीदारी करती है तो पैसा भिजवाती है ना, पैसा कौन देता है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे प्राइस सपोर्ट सिस्टम से ये लोग जाके खरीदारी करते हैं। अब इनको भी तो पैसा चाहिए, इनको पैसा बैंक, ये बैंक से लोन लेने जाएंगे, बैंक वाला बोलेगा भैया गारंटी क्या है कि पैसा वापस करोगे, तो सरकार इनकी गारंटी लेती है, तो वो जो गारंटी का फंड था 9500 करोड़, उसको सरकार ने 2 गुना करके 19,000 करोड़ रुपया कर दिया, इतनी सी न्यूज़ थी। अब नफेड क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जब बॉडीज डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल से इसको पढ़ लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। इंडियन ICAR का 88वां स्थापना दिवस था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को। ये प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1965 में हुई थी, तो आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा कि नहीं, ये तो आज़ादी के पहले की बॉडी है, तो अब प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ईयर याद रखना जरूरी नहीं, किसका कौन सा कौन से ईयर में स्थापना हुई थी, इतना डिटेल में आज़ादी के पहले की बॉडी नहीं पूछता है। आगे मुगल गार्डन खुला रहेगा, जिसको घूमना हो घूम सकता है। 10 10 कब से कब तक तो खुला रहेगा ये? 6 मार्च तक खुला रहेगा। ठीक है, मुगल गार्डन। अभी हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, वो इंडिया साइज, हमने बताया था ना आपको, इंडिया साइज एक सर्वे हो रहा है जिसमें जो ह्यूमन मतलब इंडिया की जो रेस है उसका साइजिंग क्या है, इंडिया में कौन सी रेस पाई जाती है। ब्राउन काउकोसाइड। और जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं वो कौन से हैं? मंगोलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमने बात कर ली। हाँ, एक डॉक्टर हर्षवर्धन नाम का एक ऐप है, ये ग्रीन गुड डीड्स एक मूवमेंट है, ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट। इसमें क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड सोशल और पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस तरह की एक्टिविटी और जानकारी के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, ये मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, किसके? इन्वायरमेंटल के भी मिनिस्टर हैं ये, साइंस एंड टेक के भी ये मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने एक ऐप, अपने नाम का ही ऐप लॉन्च किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये ऐप याद रखिएगा। उसके बाद फिर देखते हैं हाई स्पीड रेलवे। हाई स्पीड रेलवे कौन सी है? यही बुलेट ट्रेन, इसी का नाम है हाई स्पीड रेलवे। ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में है, उसको हाई स्पीड रेल टर्मिनल एक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनेगा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। छोटी सी न्यूज़ थी, याद रखिएगा, हाई स्पीड रेलवे आ जाए तो कंफ्यूज मत होइए, यही बुलेट ट्रेन है मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए एक सैटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब जैसे एक टाउन बन गया, शहर बन गया, उसके चारों ओर मतलब आउटग्रोथ के नाम पर, धीरे 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 आउटग्रोथ के नाम पर वहाँ पर सिटीज़ का और किनारा डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो जैसे बोईसर, विरार, थाने, ये सब मुंबई से थोड़ी दूरी पे स्थित है लेकिन अब मुंबई से एकदम कनेक्टेड है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए सेटेलाइट टाउन में आता है। और आगे, हाँ देखिए, एल्फिंस्टन रोड पे जो फुट ओवर ब्रिज गिर गया था उसको आर्मी ने रिकॉर्ड टाइम में बना के दे दिया। अब ये सवाल उठता है कि इंडियन आर्मी से क्यों बनवाया गया, क्यों? क्योंकि वो ओवर ब्रिज अगर ठेका दे के बनवाया जाएगा तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो भारतीय सेना को दे दिया गया, तो उसने रिकॉर्ड 60 60 दिन में बना दिया। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ थी। इफिशियंसी, अगर आपको मतलब गवर्नेंस में कुछ एग्जांपल लिखना हो तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि इंडियन आर्मी को दे दिया गया फुट ओवर ब्रिज बनाने का, उसने रिकॉर्ड कम समय में बना करके दे दिया। ठीक है, इफिशियंसी ये होती है। उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, ठीक है, लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसको सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक